हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप आइडियाज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने घर पे ही अपने आईब्रोज को डाई कर सकते हैं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, जो कलर अपने बालों में लगाते हैं उसी को अपने आईब्रोज पे अप्लाई कर देते हैं, जबकि ये चीज़ हार्मफुल है क्योंकि उसमें काफ़ी तेज़ केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे आईब्रोज के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होते। सो आईब्रो का जो कलर है वो डिफरेंट होता है, और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीचन कंपनी का कलर है जो कि पाउडर फॉर्म है, और ये बेसिकली बना भी आईब्रोज के लिए है। ये आपको अमेज़न से मिल जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बॉक्स की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, इसके अंदर ये पाउडर कलर था, उसके अलावा ये एक एम्प्टी कंटेनर था। इसके अंदर मिक्स करके आपने अपने आईब्रो पर अप्लाई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा आपने पाउडर लेना है, इसके अंदर एक दो ड्रॉप अपने पानी के ऐड करने पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करते रहें जब तक ये अच्छे से जेल ना बन जाए। जब ये जेल बन जाएगी इसको आपने अपने आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करते रहना। बिफोर आप लोग देखें कि इनके आईब्रोज कितने लाइट हैं। अब हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ध्यान से करते हैं, क्योंकि आईब्रो के ऊपर नीचे लग जाएगा तो आईब्रोज की शेप ही ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपरली आपने ध्यान के साथ इनकी जो शेप है उसको मेनटेन करते हुए ही आपने फिलिंग करनी है। अच्छा, इनको इनकी जो आईब्रो है उसके अकॉर्डिंग ही शेप चाहिए थी। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी आईब्रो के अकॉर्डिंग शेप ना हो, डिफरेंट आईब्रो लगे, डिफरेंट शेप से ही कलर करवाना चाहते हैं। तो जो आपके क्लाइंट की डिमांड हो या फिर आप लोग खुद चाहते हैं डिफरेंट आईब्रो कलर करना डिफरेंट स्टाइल से, तो ऑल अप्स टू यू के आप जिस तरह चाहते हैं आप जैसे मर्जी करें। लेकिन इनको ये था कि इन्हें इन्हीं की आईब्रो के अकॉर्डिंग ही कलर चाहिए था, शेप सेम चाहिए थी, तो हम लोगों ने सेम ही शेप पर एप्लीकेशन की है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो करनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन डन हो चुकी है। 10 मिनट तक आपने अपने आईब्रोज पर लगा रहने देना, देन अपने फेस को वॉश कर लेना, और अब देखिए आपके सामने ये कि कितना अच्छा रिजल्ट आया, कितना अच्छा कलर आईब्रोज पर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।